नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के स्टूडियो में स्वागत है। आज के स्टूडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को ईपीएफओ द्वारा बड़ी राहत दी गई है, तो उसी के संदर्भ में जो अपडेट है तो उसके बारे में अभी मैं आपको स्टूडियो में पूरी जानकारी दे रहा हूँ। दरअसल यह जो अपडेट है तो वो है ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उनकी पेंशन कंटिन्यू रखने के लिए जो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया जाता है तो उसके संदर्भ में। तो जी दोस्तों, ये जो बड़ा अपडेट ईपीएफओ द्वारा लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के संदर्भ में दिया गया है तो उसी के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो इंपॉर्टेंट अपडेट है तो इसकी जानकारी आप सभी पेंशन धारकों को मिल सके। और इसी तरह के पेंशन से जुड़े हुए अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देश के 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों को ईपीएफओ द्वारा जो बड़ी राहत दी गई है तो उसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बताया गया है कि अब 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों को ईपीएफओ ने दी बड़ी राहत, मिलेगा सीधा लाभ। तो जी दोस्तों, यहाँ पर आगे इस अपडेट में बताया गया है कि पेंशन लेने के लिए जीवित होने का सर्टिफिकेट देना होता है, इसे हम जीवन प्रमाण पत्र कहते हैं। ईपीएफओ ने देश भर में पेंशन पाने वाले 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों को राहत दी है। अब पेंशन लेने वाले अपने घर के पास से कॉमन सर्विस सेंटर पर ही अपना जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। देश भर में 3.65 लाख कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी है। ईपीएफओ ने इनके साथ टाइप किया है, कॉमन सर्विस सेंटर पर उनके दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से लिए जाएंगे, यानी आपका जो आधार है, आपकी पेंशन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है तो उसे जो है वो डिजिटल रूप से यहाँ पर लिया जाएगा और आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो बनवाया जाएगा और उसे जो है वो ईपीएफओ में सबमिट भी किया जाएगा। आगे यहाँ पर बताया गया है कि हालांकि जीवन प्रमाण पत्र ईपीएफओ के रीजनल सेंटर में भी जाकर दिया जा सकता है। देश भर में 125 रीजनल सेंटर है, वही 117 जिले है जहाँ पर जिला स्तर के ईपीएफओ ऑफिस है, वहाँ भी यह काम हो सकता है। इसके अलावा जिस बैंक से पेंशन मिल रही है वहाँ भी यह काम किया जा सकता है, यानी इससे पहले ये जो लाइफ सर्टिफिकेट जहाँ पर सबमिट किया जा सकता है उसके साथ यहाँ पर सीएससी सर्विस सेंटर को भी ऐड किया गया है, यानी जो भी पेंशनर्स है तो उनके पास में अगर कोई सीएससी सेंटर है तो वहां पर भी वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो भी जमा करवा सकते हैं। जीवन प्रमाण पत्र 1 साल के लिए वैलिड माना जाएगा। पेंशन लेने वाले कर्मचारी साल में कभी भी ये प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इससे पहले यह नियम था कि नवंबर में सभी को जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता था। हालांकि जिन लोगों को पुराना प्रमाण पत्र जमा करना है उनके लिए अंतिम तारीख नवंबर महीने तक ही रहेगी। ईपीएफओ श्रम मंत्रालय के तहत आने वाली संस्था कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा का ख्याल रखने वाली संस्था है। तो जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को ईपीएफओ द्वारा ये जो बड़ी राहत दी गई थी जिसके तहत अभी ईपीएस 95 पेंशन धारक अपनी पेंशन को जारी रखने के लिए उनका लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो अपने नजदीकी सीएससी सेंटर में जाकर भी जमा कर सकते हैं। तो यह दोस्तों, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि बैंक में जमा किया जा सकता है, ईपीएफओ के रीजनल ऑफिस में जाकर जमा किया जा सकता है, साथ में हम ऑनलाइन भी हमारा जो जीवन प्रमाण पत्र है तो उसे भी जो है वो सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है वो जीवन प्रमाण की जो वेबसाइट है तो वहां पर जाना होगा, साथ में हमारे मोबाइल से भी हम जो है वो हमारा जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर सकते हैं। तो इनके साथ जो वो यहाँ पर ईपीएफओ द्वारा एक और सुविधा दी गई है जो कि है कॉमन सर्विस सेंटर की। तो जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी के बारे में अभी हमने इस वीडियो में जानकारी ली। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दूसरे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ईपीएफओ द्वारा ये जो बड़ा अपडेट लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किए जाने के संदर्भ में दिया गया है तो इसकी जानकारी सभी पेंशन धारकों को मिल सके। तो दोस्तों, आपका काम यह है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा पेंशन धारकों के साथ शेयर कीजिए ताकि इस अपडेट के बारे में सभी पेंशन धारकों को पता चल सके। हम हमेशा कहते हैं कि देश में ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत 65 लाख पेंशन भोगी पेंशन लेते हैं, यानी इस वीडियो को हमें 65 लाख पेंशन भोगियों तक पहुंचाना है ताकि ये जो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किए जाने के संदर्भ में ईपीएफओ द्वारा बड़ी राहत दी गई है तो इसके बारे में देश के हर एक पेंशन धारक को पता चल सके। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।